हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रुतबा खान किचन। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल रुतबा खान किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लच्छेदार मठरी की रेसिपी, जिसको आप शाम की चाय या फिर छोटी मोटी भूख में भी खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया एक कप मैदा, एक बाउल में ले लेंगे और अब डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच ज़ीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, आधा छोटा चम्मच नमक, एक चम्मच ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल ले लिया है, और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये मिक्स हो गया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे, जिस तरह से हम पूड़ी का डो बनाते हैं बस उसी तरह टाइट डो बनाना है। और हमने इस तरह से इसका डो बना लिया है और इसको 10 मिनट ढककर हम रख देंगे, तब तक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए लेंगे हम एक चम्मच मैदा, थोड़ा सा नमक और एक से डेढ़ चम्मच ले लेंगे हम तेल, और इसको कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए, ये पेस्ट इस तरह से तैयार हो गया है, इसी तरह से करना है। बस आप मैदा देख लेते हैं, जो डो बनाया था हम वो देख लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और ये डो देख लेते हैं। थोड़ा सा हाथों से इसे फिर से पंच कर लेंगे। तो ये डो बनकर हमारा तैयार हो गया है। चलिए मठरी तैयार करते हैं। तो अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और एक ले लेंगे और इसकी लोई बनाकर इसको हम बेलेंगे। तो अब इसको हम बेल लेंगे, रोटी की तरह बेलना है, रोटी से बस थोड़ा सा पतला होना चाहिए। और ये देखिए, हमने ये टाइट डो बनाया था तो इसमें एक्स्ट्रा मैदा या डस्ट की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, इसी तरह से बिल जाएगा ये। तो इसको हमने रोटी की शेप में बेल लिया है, ये देखिए इस तरह से इतना पतला बेला है हमने, बस ऐसे ही बेलना है। और इसके ऊपर अब हम लगाएंगे जो हमने पेस्ट बनाया था वो लगा देंगे। इससे क्या होगा कि मटरी एकदम खस्ता बनेंगी और एकदम लेयरदार बनेंगी, जैसे लच्छेदार मार्केट से लाते हैं हम, बस उसी तरह बनेंगी। अच्छे से लगा लेंगे। और अब इसको करेंगे हम फोल्ड इस तरह से, हाफ इधर से और हाफ इधर से। और इसके ऊपर एक बार फिर से लगाएंगे हम। तो अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे एक बार फिर से, इस तरह से करना है, और बेलन की मदद से फिर से बेल लेंगे। उसी तरह पतला बेलना है हमें। तो हमने इसको फिर से बेल लिया है और एक बार फिर से इसके ऊपर वही पेस्ट लगाएंगे। अच्छे से लगाएं। और फिर से फोल्ड करेंगे। हाफ एक साइड से और हाफ दूसरी साइड से, ये इस तरह से। और अब इसको हम बेल लेंगे। अच्छे से बराबर बराबर इसको बेलना है। तो हमने इस तरह से इनको बेल लिया है और अब इसको हम कट कर लेंगे। ये बराबर बराबर शेप में कट करेंगे। बहुत ही आसानी से बन जाती हैं ये मठरियाँ, जितनी मोटी आप रखना चाहें उतनी मोटा बेल लें। यहाँ मैंने पतले पतले बेले हैं
ये इस तरह से बन जाएंगे और सारे हम कट कर लेंगे। और जो दूसरा हमने आधा पार्ट बनाकर रखा था उसका भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। ये कितनी आसानी से बन गई हैं। तो यहाँ हमने सभी मटरियाँ बेलकर तैयार कर ली हैं। चलिए अब इसको हम फ्राई करते हैं। तो यहाँ हमने कढ़ाई में तेल डाल लिया है। तो यहाँ तेल गर्म हो चुका है। हम तेल इस तरह से गर्म करना है, ना ज़्यादा गर्म हो और ना ही ठंडा, सिर्फ मीडियम करना है, क्योंकि जब हम हल्के हल्के आँच में सेकेंगे तो ये एकदम क्रिस्पी बनेंगी और जलेंगी भी नहीं। अगर तेज़ आँच पर सेकेंगे हम तो ये जल जाएंगी और फिर क्रिस्पी नहीं होंगी। तो फ्लेम को स्लो टू मीडियम कर दें और उस पर सेकें। अब एक एक कर कर हम इसमें सारी डाल लेंगे। तो ये देखिए सेक कर इस तरह से ऊपर आने लगी हैं। अब इनको हम पलट देंगे। और स्लो फ्लेम पर ही सेकेंगे इसे। एक बार फिर से हम इसको पलट देते हैं। तो मटरी हमारी सेक कर तैयार हो चुकी है और इसे हम निकाल लेंगे। गैस को कर देंगे हम बंद। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, इसकी आवाज़ सुनकर ही आप बता सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी बनी है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।